यानी कान्यत्र लिंगानी स्थावराणी चराणी च तेषु संक्रमते देवस्तस्यां रात्रौ यतोहरः शिवरात्रिस्ततः प्रोक्ता तेन सा हरिवल्लभा। अर्थात इस चल अचल सृष्टि में जहाँ कहीं भी शिवलिंग है, चाहे वह छोटे हो या अत्यंत विशाल, उन सभी में भगवान शिव इस महाशिवरात्रि के दिन दिव्य रूप में समाहित हो जाते हैं और भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को भी महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत प्रिय है। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से वेद ऋषि श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की अपनी प्रस्तुति में हम हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले एक पवित्र पर्व महाशिवरात्रि के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो एक वर्ष में 12 शिवरात्रियां आती हैं, जो कि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती हैं। लेकिन फाल्गुन मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वास्तव में हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई इस पर्व को भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, तो कोई इस दिन को भगवान शिव के विश्वान दिवस के रूप में मनाते हैं, तथा कोई इस दिन को भगवान शिव तथा माता पार्वती के विवाह के रूप में मनाते हैं। परंतु आज हम शिव महापुराण के विधेश्वर संहिता खंड में वर्णित ज्ञान के माध्यम से यह कथा सुना रहे हैं कि जब शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे महाभाव, भगवान शिव के दो रूप कौन कौन से हैं तथा उनका प्राकट्य कैसे हुआ, कृपया हमें यह जानकारी देने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठो, ब्रह्म रूप होने के कारण भगवान शिव निष्कल अर्थात निराकार कहे गए हैं, तथा अन्य प्रत्यंगों सहित रूपवान होने के कारण उन्हें सकल अर्थात साकार भी कहा गया है। साकार और निराकार होने के कारण ही उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव की निराकार स्वरूप लिंग और साकार स्वरूप मूर्ति की पूजा की जाती है। भगवान शिव से भिन्न जो अन्यान्य दूसरे देवता हैं, वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता। सूत जी कहते हैं कि अनंत परब्रह्म से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई और भगवान विष्णु के नाभि से कमल पर विराजमान ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उस परब्रह्म ने ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माण का दायित्व सौंपा तथा भगवान श्री हरि विष्णु को सृष्टि का पालनहार बनाया और स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी अर्थात माथे के मध्य भाग से उत्पन्न होकर रुद्र रूप धारण किया और सृष्टि के संधारक के रूप में स्थापित हुए। इस प्रकार उस अनंत परब्रह्म से तीन देवों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है। सूत जी शौनकादि ऋषियों को आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठों, एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में कार्य शक्ति को लेकर विवाद हो गया। उस विवाद से समस्त देवता भयभीत, चिंतित और अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर चिंतामग्न समस्त देवताओं ने दिव्य कैलाश शिखर पर जाकर इस विषय को लेकर चंद्रमौली भगवान चंद्रशेखर महादेव का स्तवन किया। तब देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु के विवाद स्थल के बीच में निराकार तथा आदि अंत रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में स्वयं का प्राकट्य किया। यह अग्नि स्तंभ करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक ज्योतिर्मय था। तदंतर श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु दोनों द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई तथा गहराई की थाह लेने की चेष्टा की गई। श्री ब्रह्मा उस स्तंभ के ऊपरी छोर देखने के लिए गए तथा श्री विष्णु जी उस स्तंभ के निचली छोर का पता लगाने के लिए गए, परंतु दोनों ही उस स्तंभ का अंत तथा आदि का पता नहीं कर पाए। तदंतर वे दोनों ब्रह्मदेव और श्री विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं अर्थात दीर्घकाल तक रहने वाली वस्तुएं जैसे हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगुरु का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंबर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा
पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति अर्थात परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु अर्थात बुद्धिजीवी कदापि नहीं पा सकते थे, उन महेश्वर का पूजन किया। इस प्रकार सबसे पहले वहां ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर भक्त वत्सल भगवान शिव ने अपने आरंभ और अंत रहित ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप को अत्यंत छोटा किया और वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, हे पुत्रो, आज का दिन एक महान दिन है। आज के दिन तुम्हारे द्वारा मेरे निराकार और साकार रूप की जो पूजा हुई है, उससे मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महानतम होगा। आज की यह तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। महाशिवरात्रि की इस तिथि को मैं विशेष रूप से लिंग में समाहित रहूंगा और भक्तों की पूजा अर्चना स्वीकार करूंगा। जो भी भक्तगण सच्चे भाव से इसका दर्शन, स्पर्श और पूजन करेंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वे संतान, धन, वैभव से परिपूर्ण होकर समस्त सांसारिक सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस प्रकार तभी से महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन सभी भक्तगण सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाते हैं, फल फूल बेलपत्र धतूरा इत्यादि तथा मिष्ठान अर्पित करते हैं और चंदन का लेपन लगाकर धूप दीप प्रज्वलित करते हैं। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उन्हें सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं, रोजगार एवं कारोबार में वृद्धि करते हैं, उनके जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों को दूर करके सफलता के द्वार खोल देते हैं। तो यह थी हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले एक पवित्र पर्व महाशिवरात्रि के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें